फतेहपुर के राजा का तालाब बाजार में छीना झपटी का एक मामला सामने आया है, जिसमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने अपने मायके जा रही एक महिला के गले से सोने की चेन छीनते हुए तीन महिलाओं और उनके एक पुरुष साथी को रंगे हाथ पकड़ा गया। ये सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिला कांगड़ा के फतेहपुर में पुलिस चौकी रहन के तहत राजा का तालाब बाजार में तीन महिलाओं और एक पुरुष को लोगों ने गले की चेन छीनते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। ये सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस चौकी रहन के SI दलजीत सिंह ने बताया कि लाड़थ गांव की सीमा देवी अपने मायके लोहली रक्षाबंधन के लिए जा रही थी और जैसे ही सीमा राजा का तालाब बाजार में पहुंची तो दो महिलाओं ने उसके गले से चेन खींची और भागने लगी। सीमा ने तुरंत शोर मचाया, जिससे आसपास के स्थानीय दुकानदारों ने इन महिलाओं को पकड़ लिया और इनकी खूब पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इन महिलाओं के दो अन्य साथी गाड़ी में बैठे थे, जो मौका देखकर वहां से भाग गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिससे पुलिस ने नाका लगाकर भागे दो अन्य लोगों को भी पकड़ लिया। ये चारों लोग पंजाब के संगरूर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। SP कांगड़ा संतोष पटियाल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।